अजमेर के सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय के बाहर प्राचार्य पर छात्र संघ चुनाव कार्यालय की तिथि घोषित नहीं करने का आरोप लगाते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जीते हुए उम्मीदवार विकास गौरा द्वारा भूख हड़ताल की जा रही है। इस बात से नाराज NSEIU के विद्यार्थियों ने आज कॉलेज के बाहर प्रदर्शन किया और इस भूख हड़ताल को गलत करार देते हुए कॉलेज की छवि खराब करने की बात कही। NSEIU के जीते उपाध्यक्ष ने बताया कि छात्र संघ कार्यालय उद्घाटन को लेकर 10 जनवरी को बैठक आयोजित की जानी है। अभी RPSC के एग्जाम कॉलेज में आयोजित करवाए जा रहे हैं, जिसमें व्यवधान पैदा करने के लिए यह धरना मंचन किया जा रहा है, जो कि निंदनीय है। NSEIU इसका विरोध करते हुए इसे हटाने की मांग कर रही है। वहीं ABBP पदाधिकारी विकास गौरा ने कहा कि NSEIU के छात्र प्राचार्य के निर्देश पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि इनके प्रदर्शन में दम नहीं है। ये जिस तरह ABBP संगठन ये जो अनैतिक जो अपने वो लेके आई है, ये कॉलेज प्रशासन के सामने आज भूख हड़ताल पे बैठे छात्र संघ उद्घाटन को लेके। जैसा कि ये छात्र संघ उद्घाटन कोई समस्या नहीं है, पहली बात तो फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम चल रहे हैं महाविद्यालय परिसर में, तो 11 तारीख पहले तो ये चीज़ संभव ही नहीं है। दूसरी चीज ये है कि इनको बता दिया गया है, छात्र संघ कार्यालय उद्घाटन एक प्रक्रिया है जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव चारों पदाधिकारियों की सहमति होती है, मीटिंग होती है, उसके बाद ही तय किया जाता है कि डेट फिक्स होती है, उसके बाद तय किया जाता है। अब ये जो ABBP संगठन के लोग हैं, ये प्रशासन से अभद्रता से बातचीत करते हैं और शैक्षणिक कार्य को बाधा करते हैं। आज यहाँ फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम चल रहा है, जो बहुत ही बड़ा एग्जाम है। अब ये इस तरह की यहाँ पे गतिविधि करेगी तो महाविद्यालय का नाम भी खराब होगा और जो शैक्षणिक कार्य वो भी बाधित होगा। तो आज हमने इसका विरोध किया है कि जब 10 तारीख मीटिंग के लिए फिक्स कर दिए, फिर इस तरह की भूख हड़ताल करने का क्या औचित्य रहा? जब प्रशासन मांग रहा है आपकी बातें, उद्घाटन पहले भी होते हुए आए हैं, जब ABBP के पहले भी छात्र संघ अध्यक्ष रहे हुए तब भी उद्घाटन हुए, ये कोई समस्या नहीं है, इसको मुद्दा बनाया जा रहा है बस। गलत कर रही है, सही कर रही है? बिल्कुल गलत कर रही है। जब इनको डेट दे दी गई कि आपको 10 तारीख में आपकी छात्र संघ की मीटिंग तय हो जाएगी, उसके बाद आपको छात्र संघ उद्घाटन करने के लिए तिथि दे दी जाएगी, फिर जो भूख हड़ताल कर रहे हैं इसका क्या औचित्य रहा? एक तो ये पूर्ण तरीके से नौटंकी हो गई है, तो प्रशासन को परेशान करने की एजेंट है कांग्रेस के, ये सब ये एक भ्रांति है, ये बातें कर रही है। प्रिंसिपल कोई एजेंट नहीं होता, प्रिंसिपल एक प्राचार्य होता है, तो शैक्षणिक संस्थान चलाना होता है, उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती है। आप उस पर एलिगेशन लगा देते हो कि ये वो है, उससे कोई काम नहीं चलता। जी, इनका कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो 15 तारीख अंतिम तिथि है, अगर उसके बाद उद्घाटन नहीं हो तो उद्घाटन कौन कराएगा? और ये जिस प्रकार से कह रहे हैं कि प्राचार्य से दुर्व्यवहार कर रहे हैं, ये प्राचार्य सर से किसी प्रकार का हमने दुर्व्यवहार नहीं करते। विद्यार्थी परिषद शिक्षकों का सम्मान करना जानती है, उसके साथ साथ अगर उनकी जो अधिकार है उनके खिलाफ लड़ना भी जानती है। अगर इनसे पूछेंगे दुर्व्यवहार लिखते कैसे, तो उनको ये भी नहीं पता दुर्व्यवहार कैसे लिखते हैं। ये आके इनको पता नहीं किस चीज़ की मांग कर रहे हैं, किस चीज़ की कर रहे हैं, इनको किसी बारे में मालूम नहीं। जबरदस्ती सिर्फ फोन आ गया प्रिंसिपल सर का, आपको प्रदर्शन करना है, आप ये 5 जने आगे इकट्ठे होकर प्रदर्शन करने लगे। और जिस प्रकार से समर्थन में उतरे हुए, जबकि अभी प्राचार्य से हमारी मुलाकात कल हुई थी, उसके बाद मुलाकात नहीं हुई, तो कौन सा दुर्व्यवहार, कौन सा क्या जबरदस्ती प्रदर्शन कर रहे हैं? तो इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस और ये एक ही मानसिकता पे, प्राचार्य ये सारे एक ही लाइन पे और एक ही दूरी पे और एक ही मानसिकता से काम कर रहे हैं। क्या कांग्रेस के जो प्रिंसिपल का एजेंट है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से उनका काम करने का रवैया है, जिस प्रकार से वो छात्र विद्यार्थी परिषद को साथ ही दुर्व्यवहार कर रहे हैं, विद्यार्थी परिषद के साथ उनके जो मैं जीता हूँ तो मेरे को बराबर अधिकार नहीं दे रहे, उस हिसाब से यही लगता है कि वो कांग्रेस के मतलब दबाव में आके काम कर रहे हैं। अभी आपके सामने ने प्रदर्शन करा, जवाब क्या देना चाहोगे? मैं उनको यही जवाब देना चाहूँगा कि जो सच है सत्य पराजित वो परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। जीत हमारी होगी, सच की जीत होगी, और जो सच है और अधिकारों के लिए हमें गुरुओं का सम्मान करना आता है और गुरुओं और हमारे अधिकारों के लिए लड़ना भी आता है। अगर हमारे अधिकारों का हनन हुआ तो हम लड़ेंगे, पर गुरुओं का हम कभी न तो आज तक अपमान किया न कभी करेंगे। तो उनसे पूछना चाहूंगा कि जब 15 तारीख अंतिम तिथि है उद्घाटन की, तो अगर उद्घाटन नहीं कराएंगे तो छात्र संघ का उद्घाटन नहीं होगा तो कब कराएंगे? या NSEIU को आप लिख के दे दो कि हम उद्घाटन करा देंगे, हम उठ जाएंगे। NSEIU खुद अगर लिख के देते हैं कि हम उद्घाटन करवा देंगे 15 के बाद, क्या है उनका वो खुद लिख के दे। आपको तारीख दे दी, फिर इसके बाद भी आप उद्घाटन? प्रिंसिपल सर ने आप, मैं बताना चाहूंगा, कोई तारीख नहीं दी है मुझे पास, कोई लिखित में कुछ भी नहीं आया तारीख का, किसी प्रकार का कोई तारीख नहीं है।